नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आज रणबांकुरे में बात करेंगे वायुसेना की बढ़ती ताकत की और चीन से निपटने के लिए कितनी तैयार वायुसेना। हैदराबाद के डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड हुई, जिसमें भारतीय वायुसेना की ताकत देखने को मिली। इस परेड के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। ऐसे वक्त में जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, ऐसे में चीन से निपटने के लिए वायुसेना कितनी सक्षम है, आज वायुसेना प्रमुख ने ये भी बताया। साथ ही वायुसेना की ताकत को बढ़ाने और चीन से निपटने को लेकर भी अपनी बात रखी। भारत चीन मुद्दों पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि एक साल पहले जब भारत चीन के बीच विवाद हुआ था, तब हमने तैनाती की थी। उसके बाद एक साल में हमारी ताकत को कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं। इस एक साल में हमने भी कदम उठाए और अपनी ताकत को बढ़ाया है। RKS भदौरिया ने कहा है कि हमारी क्षमता जो एक साल पहले थी, आज उससे कहीं ज्यादा है। Yeah, we are looking at all these things. Like you have monitored, some of these things have come out in the media. There are many other issues, on both our adversary side. And every such activity is being monitored. What is the ground reality? What are the changes taking place? Whatever actions are required on our part with respect to those changes, we are taking. So all the actions are being taken. Everything is being monitored. And of course, as far as Galwan is concerned and post Galwan, the disengagement is concerned, all action is on in terms of the talks too. So on all fronts, the action is on. The talks are on. The 11th round had taken place. The next round of talks, there is some activity in terms of there is a proposal for div commander level talks. So those decisions will be taken. The first attempt is to continue with the talks and do the disengagement at the balance friction points, and of course follow it up with de-escalation. However, in parallel, the ground realities are being monitored closely. Whatever is the reality across in terms of current leftover locations, deployments, any changes, that is being monitored closely. And whatever actions are required on our part, we are taking. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि क्षमता बढ़ाने के लिहाज से राफेल और LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बाद हमने दो तीन बड़े कदम उठाए हैं। उसमें AMCA का सबसे बड़ा रोल है। पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट जो देश में बनेगा, उसका निर्णय ले लिया गया है। इसे DRDO तैयार करेगा। वायुसेना में निर्धारित समय अनुसार 2022 तक 36 राफेल विमान शामिल किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।